हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तियांग वो पहले तो दरवाजा नहीं खोलता है, लेकिन बार बार नॉक किए जा रहा था। तियांग बहुत ही गुस्से में उठकर चले आते हैं और दरवाजा खोलने के बाद तियांग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसके सामने जंगकुक था। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को लौटाने आया हूँ जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था, और उसी गिफ्ट को मैं तुम्हें रिटर्न करने आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों तियांग, क्या तुम्हें याद नहीं है 2 साल पहले क्या किया था तुमने मेरे साथ? क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारे भाई के साथ ऐसा किया था, इसलिए तुमने भी मेरे साथ वो ही किया है। तो लो, अब मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। मेरे भाई ने जब तुम्हारे भाई के साथ फोर्स किया था, वो प्रेग्नेंट नहीं थे, वो इनकी के साथ शादी करने के बाद खुश है, लेकिन तुमने तो मुझे प्रेग्नेंट ही कर दिया। तो लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, रख लो इसे। तियांग ने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, अब मुझे कोई परवाह नहीं कि किसका सन है और किसका नहीं। जंगकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता? मैंने तभी कहा भी नहीं कि लड़का या लड़की, इसका मतलब तुम ही उसके डैड हो, वरना तुम ये बस कैसे कह लेते? तियांग ने कहा, मैं बस ऐसे ही कह दिया है, इसका कोई और मतलब निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तियांग जंगकुक को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक वो घर के अंदर चला जाता है बच्चे को गोद में लेकर। और तियांग ने कहा, जंगकुक तुम आके यहाँ पर क्या करने हो? तुम यहाँ पर हंगामा करना चाहते हो? जिमिन और इयोंगी आ जाते हैं और कहता है, तियांग क्या हुआ? तो तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जिमिन कहता है, तियांग कुछ तो हुआ है। जंगकुक अपने बच्चे को गोद में लेकर जिमिन के सामने आ जाता है और कहता है, क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? क्या आप मुझे भूल गए हो? जिमिन जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने हो? जंगकुक, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देखने के बाद तियांग को गुस्सा आ जाता है, और मैं तियांग को गुस्सा होते ही नहीं देख सकता हूँ। तो फिर जंगकुक जिमिन की गोद में बेबी को देते हुए कहा, ठीक है, इसको संभाल लीजिए आप, जब तियांग की गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसको दे देना, क्योंकि ये उसका सन है, उसका दिया हुआ गिफ्ट जो वो मुझे 2 साल पहले दिया था। जिमिन ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो गए थे उसके बाद? तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, कि बताओ, मुझे बताना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर बताया होता तो आप लोग इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देते, और आप लोग अभी भी यही चाहते हो ना कि मैं इस बच्चे को मार डालूं। तो ठीक है, अगर इसको मरना है तो मैं खुद भी मरने वाला हूँ। जिमिन बेबी को गोद में लेते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ अगर ये सच में तियांग की सन हो तो। जंगकुक ने कहा, कोई शक नहीं इसमें, अगर आप लोग को शक है तो फिर ठीक है, मैं उसके लिए रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ। उसके बाद जिमिन को रिपोर्ट दिखाता है। जिमिन ने कहा, तियांग ये सच है, ये सन तुम्हारा है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम भूल गए क्या कि तुमने मेरे से कितनी बुरी हरकतें किया था? मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, उस रात के बारे में सोचने के बाद मेरा रूह कांप उठने लगता है, तुम इतने हैवान कैसे हो सकते हो? तियांग उस रात के बारे में सोच रहा था। तियांग जंगकुक को अपने घर उठाकर लेकर आया था और उसके साथ फोर्स किया था, क्योंकि जिहुप ने भी जिमिन के साथ ऐसा ही किया है। जब जिमिन ने इयोंगी से कहा कि वो उसे शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इयोंगी उसे प्यार करता है, वो इयोंगी से प्यार करता है, जिहुप के बाद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिहुप भी जिमिन को चाहता है, और इसलिए जिमिन को फोर्सफुली अपने घर लेकर जाने के बाद उसके साथ इंटीमेट हुआ था। वैसे ही तियांग भी जंगकुक को सबके सामने उठाकर लेकर आया था, और वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया था। जंगकुक को अभी भी उस रात के बारे में याद आता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है डर के मारे। और यहाँ पर तियांग वो सुकून से जंगकुक को और बच्चे को देख रहा था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे अभी जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैं तेकू को तुम्हें संभालना चाहता हूँ। तियांग, मुझे पता है तुम मेरी एनिमी हो और मैं भी तुम्हारी एनिमी हो, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तेकू तुम्हारा सन है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मैं जा रहा हूँ, तियांग ने कहा, रुको, वो मेरा सन कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सन है। जंगकुक तियांग को गुस्से में घूरता है। उसके बाद तियांग को रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम दोबारा से टेस्ट करवा लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अब तुम इस बच्चे को संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि तुमने ही मुझे दिया था तो मुझे तुम्हें लौटाना था, तो मैंने लौटा दिया है, अब मुझ पर कोई बोझ नहीं,
एक एक कर जनकू जो है वो जानने लगता है। तियांग झका जनकू की हाथ पकड़ते कहा जा रहे हो, तुम आखिर क्या करना चाहते हो एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा? जनकू ने कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, वो अपने डैड के पास रहेगा, मुझे तो खुश होना चाहिए। तियांग कहता है, तुमने उसे जन्म दिया है, तुम्हें तो उसके लिए बुरा लगना चाहिए, और तुम किसी ऐसे इंसान के पास छोड़कर जा रहे हो जिस इंसान को प्यार से कोई मतलब नहीं है, तुम उसको उसके पास ही छोड़कर जा रहे हो अच्छे परवरिश के लिए, तुम्हें नहीं लगता है कि गलत कर रहे हो तुम? तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जनकू कहता है, मैं क्यों इसका ध्यान रखने लगा, मुझे पूरा यकीन है वो बड़े हो जाने के बाद मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा, तो मैं उसे अपने पास क्यों रखूंगा? वैसे भी मैंने एक साल तक उसका ध्यान रखा है, अब तुम्हारी बारी है, तुम उसका ध्यान रखना। और उसके बाद जनकू तियांग के घर पर ही अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। जनकू के जाने के बाद बच्चा बहुत ही रो रहा था। तियांग उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे की रोना कैसे बंद करे। तियांग बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। जिमी ना जाते हैं बच्चे को गोद में लेते हुए उसकी रोना बंद करता है और उसे कहता है, वो पोटी कर दिया था और तुम इसलिए उसको चुप नहीं करवा पा रहे थे। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या, क्या आपसे मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? जिमिन कहता है, तुम चाहो तो मैं उसको अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम कहो तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर अपने रूम में जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, ठीक है, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? उसके बाद तियांग ऑफिस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे तियांग वो ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको कॉल आ जा रहे थे, वो कोई और नहीं जनकुक, वो तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग ने जनकू की फ़ोन को उठाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब तुम क्या चाहते हो? बच्ची को तो मेरी गर्दन पर छोड़कर चले गए, जो पूरा दिन रो रो कर मेरा सर खा लेता है। तो जनकू ने कहा, क्या तुमने मेरी बच्ची के साथ इतना टॉर्चर किया है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तियांग, अगर उससे कुछ हुआ ना तो। जनकू तियांग से कहता है, तुम अब कहाँ हो? तियांग कहता, मैं ऑफिस हूँ, तुम अब फ़ोन रखो, मुझे दोबारा कॉल मत करना। जनकू ने कहा, तियांग अभी घर जाओ और बच्ची की ध्यान रखो, अगर तुम बच्चे की ध्यान नहीं रखते हो ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है कर देना। उसके बाद तियांग फोन रख देता है और वो फाइल लेकर चेक करने ही वाला था कि घर से कॉल आते हैं। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग जल्दी से घर आ जाओ, तेगू की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला लिया है, डॉक्टर ने कहा कि तेगू को उसके पापा के साथ रहना जरूरी है क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है, तुम प्लीज जनकू को लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या जनकू को लेकर आ जाओ? उस लड़के को जो हमारी एनिमी की सन है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जनकुक आ जाते हैं और कहता है, क्यों क्यों नहीं यहाँ पर मैं आ सकता हूँ, क्या सिर्फ लड़की ही आ सकता है? तियांग ने उसको देखकर कहा, तुम कब आए? तो उसने कहा, मैं अभी आया हूँ। तियांग जनकुक से कहता है, तुम्हें अगर पैसे चाहिए ना मैं दे दूंगा, इसको यहाँ से लेकर जाओ। तो उसने कहा, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो फिर तियांग ने फिर से दोबारा जनकुक को फोर्सफुली अपने घर लेकर आए। जनकू ने कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। तियांग ने कहा, और क्या करता, तुम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चले गए और बच्चा तुम्हारे लिए रोता है, तो मुझे ऐसा तो करना ही था ना। जनकू तियांग से कहता है, तो इसका मतलब तुम अपने बच्चे को अपना चुके हो? तियांग ने कहा, क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? जनकू ने कहा, तियांग अभी तुम यही कहोगे, क्या तुम चाहते कि मैं तुम पर किस करूं? ये बच्चा तुम्हारा है, तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, मैं पहले से रिपोर्ट लेकर आया हूं, अगर भरोसा नहीं है तो दोबारा कर लो। तियांग ने कहा, जनकू देखो तुम अपने बच्चे को संभालो, मुझे बच्चा संभालना नहीं आता है और मैं नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। जनकू तियांग से कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेगू यहाँ से जाए, वो यहीं पर ही रहेगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों ही एनिमी हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो? जाओ यहाँ से चले जाओ उसको लेकर। जनकू ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। और मन में कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे अंकल ने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मुझे तुम्हारे पास ही लौटना पड़ा क्योंकि तुम ही तो हो जो मुझे तुम्हारे घर पर रख सकते हो, क्योंकि बच्चा तुम्हारा भी तो है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जनकू ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उसके बाद जनकू बच्चे को लेकर तियांग के घर पर ही रुक जाता है। तियांग जनकू के बारे में पता लगाता है। जनकू 2 साल तक पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई और सब कुछ चला रहा था, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गए वो कॉलेज जाना छोड़ दिया और उसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। और यूनो मिंगहोन उसकी बहुत ही हेल्प किया है।
कुछ दिन तक जंको तियांग के घर पर रहने की वजह से जंको को अब तियांग के लिए थोड़ा सा हमदर्दी हो रहा था। जंको ने देखा कि नहीं, तियांग इतना भी बुरा इंसान नहीं है। वो बस जब भी गुस्सा होता है वो हाथ पार कर देता है, हमेशा वो ऐसे ही नहीं है। वो बहुत ही स्वीट और प्यारा सा भी है। ये सोचते ही जंको को होश आया। ए, मैं क्या सोच रहा हो? इस डेविल के बारे में ऐसा सोच रहा हो जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है? उसके लिए मैंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट भी नहीं कर पाया। मुझे लोगों ने इतनी बातें सुनाया है और मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तियांग, वो जंको को देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, पता है तो यहाँ पर क्यों हो, चले क्यों नहीं जाते हो? जंको ने कहा, तुमने सही कहा, मैं कल सुबह को ही यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे इस घर में और नहीं रहना है, क्योंकि जंको मन में कहता है लगता है मैं तुम पर वीक होते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ क्लोज नहीं होना है। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे भाई ने तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उनको पनिशमेंट मिल गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन तुमने मुझे क्या किया है तियांग? तुमने मेरी पढ़ाई, मेरी आज़ादी छीन लिया है। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे रूम में खड़े होकर ही सोचते रह जाओगे? जो अपने रूम में जाकर सो जाओ और सुबह को चले जाना। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको वो अपने रूम में आकर सो जाता है। तेगुक को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। जनको ने तेगुक से कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाह रहा था, लेकिन लगता है वो सपना पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर तियांग यही सोच रहा था, मैंने जनको को यहाँ से जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जनकुक वो सुबह होते ही यहाँ से उठकर चला जाता है अपने बच्चे को लेकर, किसी को बिना बताए। तियांग नींद से उठने के बाद जनकुक के रूम में जाता है और उसने देखा कि जनकुक रूम में नहीं है और ना ही बेबी है। उसके बाद जिमिन और युंगी से जाकर पूछता है। जिमिन ने कहा, मुझे नहीं पता। क्यों तियांग, तुम नहीं जानते हो क्या? जनकुक कहा है। तियांग ने कहा, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मुझे लगा वो नहीं जाएगा। जिमिन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है जब तुम्हें पता ही है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हें ऐसा नहीं करना था तियांग, तुमने बहुत ही गलत किया है। अब तुम क्या करने वाले हो? अब तुम जंको को कहाँ ढूंढोगे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कैसे भी करके जंको को ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि वो मेरे बच्चे के साथ बाहर ऐसे नहीं घूम सकता है। मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। जिमिन ने कहा, तियांग कैसे भी करके जंको को वापस लेकर आओ और तेगुक को भी। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी तियांग को जंको नहीं मिलता है। तियांग घर जैसे वापस आ जाता है। जिमिन ने तियांग से पूछा, जंको कहाँ है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उसको हर जगह पर ढूंढा है, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। जिमिन कहता है, वो कहाँ जा सकता है? उसके बाद एक सर्वेंट आकर कहता है, वो साहब आपकी गैरेज पर कोई है और एक बच्चे की रोने की भी आवाज़ सुनाई दे रहा है। तियांग दौड़ कर चले जाते हैं और उसके बाद जंको और बेबी को लेकर आ जाते हैं। और तियांग ने जंको से कहा, तुम वहाँ पर जाकर क्यों चुप गए? जंको ने कहा, मैं चुप नहीं गया था, मैं ऐसे जाने ही वाला था, लेकिन मेरे अंकल ने कुछ लोगों को भेजा है मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए, और इसलिए मैं तुम्हारी उस गैरेज पर जाकर चुप गया। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें ऐसे जाने की क्या ज़रूरत है? जंको ने कहा, तुमने ही मुझे यहाँ से निकाल दिया था, और वैसे भी तुम मेरी एनिमी हो और मैं अपने दुश्मन के घर पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ ना, मुझे तो यहाँ से जाना ही था। मैं बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे जाने के लिए कोई जगह नहीं रहा था, तो मैं तुम्हारे घर पर आ गया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर ही रहोगे, तुम्हारा यहाँ पर रहना हक बनता है। जंको ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? तो तियांग जंको से कहता है, वो जंको मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर ले ताकि तेगुक का ध्यान रख सकते हैं। जंको ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? क्या तुम मुझसे हेट नहीं करते हो? तियांग ने कहा, नहीं मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ और नहीं कभी किया था, मैं तो बस बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। जंको ने तियांग की मुझसे माफ़ी सुनकर बहुत शौक हो गए। उसके बाद जंको भी तियांग से शादी करने के लिए मान गए और दोनों ने शादी कर लिया। शादी के एक साल हो गए हैं। तियांग और जंको साथ में बहुत ही खुश है और तेगुक का भी ध्यान रख रहा था। तियांग की क्या देखा जंको, वो तो पहले तियांग को पसंद करने लग गया था और तियांग वो भी जंको को बहुत ही चाहने लगा। दोनों के बीच में बहुत ही प्यार हो गए। तो तियांग ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और जंको के नज़दीक जाने की कोशिश किया। जब तियांग ने देखा कि जंको कुछ भी नहीं कह रहा है
तो तियांग समझ गया जंगकुक भी इसके लिए तैयार है। इसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस करता है और जंगकुक भी तियांग की गले को कस के पकड़ लेता है दोनों हाथों से। तियांग उसको बहुत ही प्यार से गोद में उठाकर पेट पर लेकर जाने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। कुछ ही महीने बाद ऐसे एक गुड न्यूज़ मिलता है, जंगकुक प्रेग्नेंट है। तो इसी गुड न्यूज़ के साथ ही इस स्टोरी को दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।